हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग इतना थक के आए हैं बैंक से थक के आए हैं, ऊपर से फिर आर ओ गए थे, आर ओ से फिर वापस आए हैं और अब आ गए हैं घर में। पर पता है गर्मी है ना, तो मतलब इतनी देर में शाम होती है, मतलब कि 7-8 7 बज जाते हैं तब तक लगता है अभी शाम ही नहीं हुई है। नहीं पता है आजकल कैसा लगने लगा, आजकल लगता है कि जैसे बहुत दिन है अभी, मतलब टाइम ही नहीं कट रहा है। तो मैंने सोचा हाँ। कि सुबह की सब्जी अभी काट लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं कल हमारे यहाँ क्या बनने वाला है, जो कि सब क्या बनता है आजकल। पहचानिए ये क्या है, ये है लेडिया फिंगर। तुम्हारी फिंगर, लेडिया फिंगर, तुम अपना फिंगर काट रही हो। काटो काटो। तुमने अभी तक अपना मामा अर्थ का बॉक्स की अनबॉक्सिंग नहीं करी, कह रहे थे हाँ यार जब हाई यूट्यूब फैमिली करेंगे तभी उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने कहा था हाई यूट्यूब फैमिली, अभी आपको दिखाते हैं हमारा जो ये है मामाअर्थ। ये मामाअर्थ का प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। मैंने क्यों मंगाया था, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं थोड़े से, तो अभी गूगल पे किया था तो उसमें वो मिला था ऑफ़र। तो ऐसे घर बैठे बैठे क्या करते, तो कुछ ना कुछ ऑर्डर ही कर दिया, तो मैंने सोचा अभी ऑर्डर कर देते हैं। अभी आग भी गया है तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें मैंने क्या मंगाया है। आपकी वीडियो बन गई ऐसे, तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग होगी। ये डायमेंशन है 2x2x2, अबे 2x2x2 कैसे दिख रहा है ये। इसकी हाइट कुछ और है, लेंथ कुछ और है, क्या क्या है ये। तुम रहने दो, तुम इसको खोलो तो दिमाग लगा। अरे नहीं गलत दिखा है भाई। चलो खैर, हम इससे क्या प्रोडक्ट अंदर होना चाहिए, खोलते हैं। ओ गए यार, ये हुई जेंट्स की अनबॉक्सिंग। लड़कियां अभी नील कटर लेके काट रही होती हैं। वो वाला गाना है, मैं कौन सा कभी के कभी, कौन सा गाना है वो, स्निगम स्निगम। पागल, तो उसको खोल के दिखा दो ना, मैं पढ़ क्या रहे हो। ओए अरे यार, याद आ गया मुझे, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग पहले कागज से बनाते थे ना, जब लोग छोटे थे, पंपिन पंपिन जैसे। फेस पैक मंगाया है क्या? मेरे ख्याल से हाँ। मतलब मेरे ख्याल से क्या होता, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है क्या? अरे मैं सच में नहीं याद यार क्या मंगाया। हाँ ये वही है, ये तो वही बात, अपना विटामिन सी क्रीम, फेस मास्क, ये सीरम है और ये फेस मास्क। सीरम कौन सा है ये? अरे वही विटामिन सी वाला। अच्छा विटामिन सी फेस मास्क मैंने पहले मंगाया था, लेकिन ये विटामिन सी वाला शायद नहीं था। हम लोग क्या इतने ब्यूटी प्रोडक्ट है ना कि आप इसमें देख सकते हैं। एक दिन इसकी वो इसका ना, एक दिन आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे कितने ब्यूटी प्रोडक्ट रखे हैं। और मुझसे ज्यादा तो इनको शौक है मंगाने का, मुझे तो हम तो सोचते हैं ठीक है। ये है विटामिन सी का फेस पैक। यार यही उम्र है कर लो, नहीं बच्चे हो जाएंगे। देखो पापा फेस पैक लगा रहे हैं, का है फायदा, बेकार ही है। ओहो, तो खुल रहा था नहीं। क्योंकि तुम्हें तो रोज नाखून काटने होते हैं। चलो इसको बंद कर दिया जाता है और ये है इसको लगाने वाला, ऐसे निकाल के तो इसको पैक कर देते हैं। यार अभी 9 बजे, मुझे अभी से नींद आ रही है। संडे को निकाल के लगाएंगे, संडे को दिखाएंगे हम लोग पीले पीले बन के बैठेंगे। ठीक ओके, तो अब बारी आ गई है सोने की। और सोने से पहले लगाना है इनके बालों में तेल, जो कि है बहुत स्पेशल क्योंकि आजकल ना गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उसके और मेरे वैसे भी झड़ते हैं, तो आजकल तो मासा ही अल्लाह हो गया है। हाँ तो इसके लिए ना मैंने ये जो है 70 दिन का तेल बनाया है नारियल का, उसके अंदर गुड़हल की पत्ती और गुड़हल के फूल को उबाला गया है। तो ये तेल जो है इनके सर में लगाने जा रहे हैं और मैंने अपने बालों में लगा लिया है, तो उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो इसमें पूरी 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 रेसिपी बताओगी? इसमें रेसिपी क्या है, वो तो बस इतना है ना कि तेल में उसको उबालना है। 100 ग्राम तेल में कितनी पत्ती,
कम से कम 20 फूल। ज्यादा है 20 फूल और संग पत्ती। नहीं भाई इतना ज्यादा मत पिलाना, हम तो अगली बार पूछ के बताएंगे कि बात तो भरोसा ना करना। हाँ। तो जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े उगाए बाल, अब सच्ची बात तो है नुकसान थोड़ी ना करेगा। अरे वो काटना पड़ेगा ना फिर। आज पता है मेरी बैंक में एक कस्टमर आए थे, ठीक है, वो ऐसी ऐसी बातें मतलब क्या ही बताया जाए, इतने बेहतरीन बेहतरीन कस्टमर होते हैं बेचारे आए, वो बूढ़े और वो बैंक आए होंगे और पता है किस लिए आए थे, वो अपना उनका केसीसी रहा होगा और वो जमा करने आए थे, उनकी तबीयत 2 साल से लगातार खराब थी, मतलब मैं उनके यहाँ जाता था रिकवरी करने तो वो मतलब दिखता था मुझे कि बीमार है वो, और वो बीमार थे और आज वो आए बैंक में और जब जाते थे तो बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि साहब है नहीं पैसे अब हमारे पास, हम बच्चा कुछ काम सहायता नहीं करते हैं, और आए जमा करने और मैं काउंटर के उधर मतलब अपने उस पर बैठा था केबिन में, तो वहाँ सब कि पैर छूने आ रहे थे तो सब कह रहे हैं कि इधर खड़े रहो इधर, नहीं अब जाना है साहब के पास जाना है तो नहीं, तो कह रहे हैं इधर बैठो ना इधर कुर्सी पर बैठो इधर अपनी बात का बताओ सुन लेंगे, तो कह नहीं उधर जाना है, तो मुझे लगा कि यार क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा आओ अच्छा इधर आने दो छोड़ दो, तो आए तो बस पैर छूने वाले थे, मैंने हाथ पकड़ा मैंने कहा बाबा इतने बड़े हो हमारे पैर वो पता है मतलब मान ही नहीं, मान के नहीं दिए भाई, कह रहे नहीं हमें छूने छूना है, तो फिर मैंने उनको बैठाया कुर्सी से बैठाया बेचारे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था आज कि वो मतलब कस्टमर एक केसीसी जमा करना चाहते हैं, 2 साल वो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही है, अभी भी उनकी तबीयत बहुत सही नहीं थी पर फिर भी वो जमा करने आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि घर में चक्कर लगाते रहो, चक्कर नहीं बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं बहुत पैसा होता है तब वो नहीं जमा करते हैं, कहते हैं जब लोग अदालत में आएंगे तब देखी जाएगी। हाँ पर मैं बहुत मतलब मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि सारे कस्टमर ऐसे हो जाएं, पर ऐसा संभव नहीं, भगवान चाहते ही नहीं नहीं अगर भगवान सब एक तरह कर देंगे तो दुनिया नहीं चलेगी ना, बात यह है फिर हमारा एनपीए कैसे होगा, फिर हम उसको रिकवरी कैसे करेंगे तो लगता है आप लोग ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, किसी ने हमें कमेंट करके ये नहीं बताया है कि आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं आया, क्या ही बताया जा रहा है, अब सबको ज्वाइनिंग मिल गई ना सब लोग को भूल गए। हाँ एक राहुल जी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था और उनका उन्होंने बताया कि आज थर्ड डे है जबकि आज जो ब्लॉग आ रहा है तो फोर्थ डे हो जाएगा उनका। राहुल जी नहीं राजेश जी, वो भी हैं और राजेश जी भी हैं। अच्छा दो लोग राजेश जी का, हाँ सेकंड नाम ले रहा हूँ मैं राजेश जी, वो भी बता रहे थे कि थर्ड डे है, दोनों ने सेम मैसेज किया था ना, इसलिए दोनों लोग हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही बढ़िया हैं, पर वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और हमारी वीडियो भी देख रहे हैं तो इसलिए सुपर बढ़िया हैं वो और लोग हमें कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या बताया जाए, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से अगर अभी तक नहीं किया है तो।